मजिस्ट्रेट चेकिंग में 51 स्कूली बसों में निकली खामियां। स्कूली बच्चों ने की इस बस स्टाफ की शिकायत। शिवपुरी शहर में शनिवार को न्यायालय द्वारा अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के नेतृत्व में स्कूल बसों की चेकिंग हेतु मोबाइल कोर्ट लगाया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों की 65 बसों को चेक किया गया, जिनमें कई खामियां पाई गईं। बस क्रमांक MP06P1163 सेंट चार्ल्स स्कूल की ये बस रेलवे स्टेशन पर मजिस्ट्रेट सर द्वारा चेक की गई, तो बच्चों द्वारा अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को बताया गया कि हमारी बस में बच्चे कई बार खड़े होकर आते हैं और अंकल से कुछ कहो तो वे हमें डांटते हैं। जब बरसात होती है तो बस में पानी आता है, इसमें जिससे हमारे बैग और किताबें गीली हो जाती हैं। कई बार स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की गई, लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर अमित प्रताप सिंह नाराज हुए और सेंट चार्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल को आज 11 बजे न्यायालय में हाजिर किया और उन्हें सख्त हिदायत दी है कि अगली बार आपकी बसों में किसी प्रकार की कोई कमी या शिकायत मिली तो आपकी बसों को न्यायालय द्वारा सीज किया जाएगा। बच्ची वहाँ इंजन पर बैठी हुई है, ये तो आपको चेक करना चाहिए। आपको सिर्फ इसमें जाने के लिए नहीं बैठाया है, ये कितने बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस है। आगे आगे इंजन पर बैठी है, वो गलत है सर, वहाँ बैठा ले सकते हैं। इसको लिखो जरा ओवरलोडिंग में, चार बच्चे ओवरलोडिंग लिखो जो आगे बैठे हैं, बस इसको नोट करो, चार बैठा रही है। ये ओवरलोड है, सब बोल रहे हैं चार बच्चे ओवरलोडिंग में लगा।